नमस्कार, मैं नीरज कुमार राठौर। घमासान.com की आज की परिचर्चा में हमारे साथ में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी ललित कुमार जी भोपाल से विशेष रूप से उपस्थित हैं। ललित जी, आपने ये अखिल भारतीय ओबीसी महासभा की स्थापना करी, ये कब करी और आपका क्या उद्देश्य था? नीरज जी, ऐसा है, हम लोगों ने अखिल भारतीय ओबीसी महासभा की स्थापना 26 जनवरी 2015 को की और अखिल भारतीय स्तर पर संगठन को निर्माण करने की आवश्यकता से विदनी थी कि 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ है, उस संविधान में ओबीसी समाज को, जिसको अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, इसको संविधान में बहुत सारे प्रावधान थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर इस देश में संख्या के आधार पर ओबीसी को बहुत सारी हिस्सेदारी मिलना चाहिए था, पर आज़ादी के लगभग 70 साल बाद भी इस देश में ओबीसी को जो 1931 की जनगणना थी 52% थे, आज लगभग 65% से ज़्यादा ओबीसी हो गया है। पर इस देश की विभिन्न संस्थाओं में ओबीसी की जो भागीदारी लोकतांत्रिक आधार पर 65% होना चाहिए थी, वो कहीं 1% है, कहीं आधा परसेंट है, कहीं 0% है। इस तरह की जो संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व जो नहीं मिल पा रहा है ओबीसी समाज को, वो प्रतिनिधित्व सभी क्षेत्रों में मिले, इसके लिए हम लोगों ने अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का निर्माण किया है। अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश का, उसमें आपने कुछ विशेष प्रत्याशियों को समर्थन दिया था ओबीसी समाज के, उसके पीछे क्या उद्देश्य था और आपके समर्थन से उनको कुछ फ़ायदा मिला? देखिए नीरज जी, ऐसा है, अभी जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान, जो हिंदी भाषी बेल्ट है, यहाँ पे जो 3 राज्य है, इन 3 राज्यों में चूँकि हमारा संगठन पिछले 3 सालों से चल रहा था, तो हम लोगों ने जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव आए, इनमें चूँकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट हमारे प्रत्याशी खड़े नहीं कर पाए, पर चूँकि हम लोगों ने एक अपना कैडर तैयार किया था, हमारे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम इन 3 राज्यों में बन गई थी, तो हम लोगों के सामने हमारे कार्यकर्ता और हमारे वोटरों को कोई ना कोई निर्देश देने की आवश्यकता थी, कोई ना कोई उनको दिशा देने की ज़रूरत थी, कैंडिडेट देने की ज़रूरत थी, या किसको समर्थन करना है और किसको समर्थन नहीं करना है ये बताने की आवश्यकता थी। इसलिए हम लोगों ने जो लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं, जो संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं, जो हिस्सेदारी में भरोसा करने वाले लोग हैं, ऐसे विभिन्न पार्टियों के ऐसे लोगों को, वो ओबीसी समाज के भी थे, वो अनुसूचित जाति समाज के भी थे, वो जनजाति समाज के भी थे, तो इस तरह से हमने तीनों समाज के लोकतंत्र और संविधान में भरोसा रखने वाले और हमारे आंदोलन में सहयोग करने वाले लोगों को, हमने 54 लोगों को समर्थन दिया था और जिसमें से 14 लोग जीत के आए हैं और उनमें से लगभग 8 अभी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? आपने अभी एक राजनीतिक दल भी बना लिया है ओबीसी समाज पार्टी, निर्वाचन आयोग से आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल गया है, तो क्या आप 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेंगे? देखिए नीरज जी, ऐसा है कि अभी लगभग मई 19 में भारत का लोकसभा चुनाव है और चूँकि हमारा संगठन अखिल भारतीय स्तर का है तो 3 राज्यों का मामला नहीं है, हमारा पूरे देश में 543 जो लोकसभा क्षेत्र है उनमें से ज़्यादातर लोकसभा क्षेत्रों में हमारे प्रत्याशी खड़े करने की योजना है और हमारे जो अराजनीतिक लोग हैं, जिनको राजनीति में रुचि नहीं है या जो पीछे रह के काम करना चाहते हैं, वो अखिल भारतीय ओबीसी महासभा को सपोर्ट और काम कर रहे हैं, और जो राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, विधायक सांसद बनना चाहते हैं और अन्य पद लेना चाहते हैं, उन लोगों को हमने हमारी पार्टी में स्थान दिया है और पूरे देश के अंदर हमारा कार्यकर्ता तेजी से काम कर रहा है और ज़्यादातर सीटों पे हमारे कार्यकर्ता आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि अभी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा पत्र की समिति की जो उनकी मीटिंग हुई थी AICC की नई दिल्ली में, जिसमें AICC OBC विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज जी साहू जी भी उपस्थित थे विशेष रूप से, उसमें ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस ओबीसी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में 52% भागीदारी हर क्षेत्र में दे देगा, तो जब ऑलरेडी सभी पार्टियों में ओबीसी को पद देने की होड़ चल रही है
तो ऐसी स्थिति में आपको अलग से अपना राजनीतिक दल बनाने की क्या नौबत है? अभी नीरज जी, ऐसा है, जहाँ तक कांग्रेस की बात करें, अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में कांग्रेस ने रूल किया है और लगभग इन 70 सालों में से लगभग 49 साल कुछ महीने कांग्रेस ने शासन इस देश में किया है। 49 साल में ये लोग OBC को जो संख्या के आधार पर भागीदारी देना था वो 1% पूरा नहीं हो पाई है। अब राहुल गांधी जी बोलेंगे कि OBC हिस्सेदारी देंगे। 49 साल से राहुल गांधी क्या कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी के इतने राष्ट्रीय नेता हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, वो क्या कर रहे थे? कुल मिला के इस देश के इतने बड़े समाज को बेवकूफ बनाने का उनका स्टैंड है, वोट प्राप्त करने का स्टैंड है। मैं राहुल गांधी जी, आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को संदेश देना चाहता हूँ, कांग्रेस के बड़े नेताओं को संदेश देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित जितने भी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और बड़े केंद्रीय इनके पार्टी के नेता हैं, उनसे बोलना चाहता हूँ कि 49 साल से आप पागल बना रहे हो हमारे समाज को, 65% इस देश के किसान और OBC समाज को। आपको शर्म आना चाहिए ये बयान देते समय। अगर मान लो कि आपके बयान में कोई सच्चाई है तो ये 3 राज्यों में आपकी सरकार बनी और दूसरी जगह आपके मुख्यमंत्री हैं, क्यों वहाँ पर संख्या के आधार पर 52% से लगा के 65% हिस्सेदारी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में क्यों नहीं देते हैं? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा था 27% केंद्र में OBC को आरक्षण लागू हुआ, यहाँ केवल 14% दिया, अभी मात्र केवल 4% भर्ती है। मैं कमलनाथ जी से और कांग्रेस के नेताओं से बोलना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो आपकी सरकार अभी बनी है और आपने अपने घोषणा पत्र में बोला भी है, कब दोगे? अभी लोकसभा चुनाव में भी घोषणा कर दो और ऐसे ही 49 साल से आप लोग राज करते आ रहे हैं और वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 70 साल किसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए 70 साल बहुत बड़ा होता है। मैं कोई भाजपा को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ ना कांग्रेस को दे रहा हूँ। अगर ये लोग देने वाले होते, अभी शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को जो मिलना था वो पूरा नहीं बढ़ा 22.5%, और OBC को जो देने की बात बहुत दूर की बात है। तो साथियों, आपके माध्यम से, नीरज जी इस चैनल के माध्यम से, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने 65% लगभग 72 करोड़ OBC की आवाज़ को इस देश में फैलाने का, प्रसार प्रसार करने का काम किया। और OBC समाज से मैं आग्रह करता हूँ, आपके माध्यम से जो मुझे देखेंगे, मेरी बात जहाँ तक पहुँचेगी, कि ये पार्टियाँ जो है हम लोगों को पिछले 70 साल से हमारे संवैधानिक हक अधिकारों से वंचित करके रखी है। हम लोगों को जागना होगा। 31% वोटों से मोदी जी ने अभी सरकार बनाई है, हम 65% है। इस देश की दो सरकार बनाने की ताकत और वोटों की संख्या OBC के पास है। कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी चलाने वाले लोगों को, भारतीय जनता पार्टी चलाने वाले लोगों को हम आरक्षण देंगे। ये OBC समाज आरक्षण देगा, ये 70-75% रहने वाला किसान समाज आरक्षण देगा। ये तैयारी पूरे देश के अंदर हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको उसके नतीजे देखने को मिलेंगे। तो आज विशेष परिचर्चा में हमारे बीच में अखिल भारतीय OBC महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष OBC ललित कुमार जी भोपाल से विशेष रूप से उपस्थित थे। लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, इनके उम्मीदवार भी उतरेंगे और जैसा कि हम देख रहे हैं कि बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में सवर्ण वोट BJP की तरफ जा चुके हैं लगभग, और कांग्रेस पूरी तरीके से OBC के वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने की भरपूर कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी OBC को 52% हिस्सेदारी देने की बात अभी उठाई है। अब देखते हैं इन बदलती हुई परिस्थितियों में क्या होता है। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत